अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्यूटोरियल ब्रेक की अगली वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद अबीर। लास्ट वीडियो में जो है वो हमने सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो है वो डिस्कस किया था। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कैसे जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर पे, रूट सीए क्या होता है, सब उसके जो है वो सब सीए जो है वो क्या होते हैं वो सारा हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने जो है वो एक यूज़र और एक मशीन को जो है वो सर्टिफिकेट भी असाइन किया था अपने रूट सीए से। तो आज जो है वो हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, एनएलबी जिसको कहते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। अपने जो है वो नेटवर्क का जो जितना भी लोड है उस सारे को जो है वो बैलेंस करने के लिए हम जो है वो एनएलबी यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो है वो मैंने वीएमवेयर में एक सर्वर जो है वो अपना इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इस पर जो है वो हम एनएलबी का पहले रोल इंस्टॉल करेंगे और उसकी भी जो है वो हम फर्दर कन्फिग्रेशन देखेंगे। तो पहले जो है वो हम रोल इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐड रोल्स एंड फीचर में जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे 100, ये हमारा आईपी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमने देखना है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, यहाँ पे जो है वो हम चेक करेंगे, ऐड फीचर्स और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर ये रिस्टार्ट होना चाहे इसको हम रिस्टार्ट करके जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग क्योंकि हमने अपने जितना भी हमारा नेटवर्क है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी हमारे यहाँ कॉन्टेंट है उसको जो है वो हमने बैलेंस करना है। तो ज़ाहिर बात है बैलेंस के लिए जो है वो हमें एटलीस्ट दो जो है वो सर्वर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरा सर्वर जो है वो इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर भी जो है वो मैं इस पर भी हम जो है वो एनएलबी का रोल इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे मैनेज में आते हैं और ऐड रोल्स एंड फीचर, और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, और ये जो है वो हमारा दूसरा सर्वर उसका जो है वो आईपी एड्रेस, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट, और यहाँ पे जो है वो हमने करना है एनएलबी नेटवर्क लोड जो है वो बैलेंसिंग, यहाँ पे चेक करके ऐड फीचर्स नेक्स्ट करेंगे और रीस्टार्ट पे चेक कर लगाने के बाद हम इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, हम हमारे दोनों सर्वर पे जो है वो एनएलबी हमने इंस्टॉलेशन पे लगा दिया। अब चेक कर लेते हैं ये जो है वो हमारा सर्वर 01, ये देखिए इस पे जो है वो इंस्टॉलेशन जो है वो कम्प्लीट हो चुकी हुई है। इसको जो है वो हम ओके करते हैं। अच्छा, एनएलबी यहाँ पे हम देखते हैं कि एनएलबी यहाँ पे आ गया है या नहीं है। यहाँ देखिए नेटवर्क लोड बैलेंसिंग यहाँ पे जो है वो आ गया है। अच्छा, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग हमने की है, इसके साथ जो है वो हमें एक और चीज़ जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो भी जो है वो हमें लाजमी जो है वो एनएलबी के साथ इंस्टॉल करना पड़ता है, वेब सर्वर। तो यहाँ पर हम करेंगे एनएलबी, चेक करेंगे, ऐड फीचर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, और नेक्स्ट लगाने के बाद वेब सर्वर, ठीक है, रीस्टार्ट अगर होता है, ठीक है, और इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसी तरह अब हम दूसरे सर्वर पर भी जाएंगे, यहाँ पे देखिए एनएलबी की इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो अब हम जो है यहाँ पे भी IIS की जो है वो सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे अपने, ठीक है। यहाँ पे हम अपने IIS देख लेते हैं, ये हमारा वेब सर्वर आ रहा है, ऐड फीचर्स, और इसको भी जो है वो हम यहाँ पे अपने इंस्टॉल करेंगे, रिस्टार्ट, यस और ओके। अच्छा, अभी जो है वो हमने दोनों सर्वर पे एनएलबी इंस्टॉल कर लिया, और दूसरी चीज़ जो है दूसरी ज़रूरी चीज़ वेब सर्वर वो हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, एनएलबी यूज़ क्यों करते हैं, टू सर्वर हमने इसलिए बनाए हैं, दोनों पे जो है वो हम लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, जिससे क्या होगा अगर बिलफर्ज दोनों सर्वर जो है वो हमारे मेन सर्वर हैं, दोनों जो है वो हमारा डाटा बेस, दोनों पे हमारे डाटा बेस हमने की हुई है, एक हमारा जो है वो मेन सर्वर और एक जो है वो हमारा बैकअप सर्वर अगर चल रहा है, दो सर्वर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पड़े हुए हैं और क्लाइंट जो है वो उन सर्वर्स को जो है वो असेस कर रहे हैं, अगर बिलफर्ज हमारे एक ही सर्वर पर हो और वही जो है वो हमारा वेब सर्वर हो, वही हमारा जो है वो SQL सर्वर हो, और हमारे जितने भी क्लाइंट हैं सारे जो है वो उसे डाटा ले भी रहे होंगे और उस पर डाटा जो है वो रख भी रहे होंगे, उससे क्या होगा कि हमारा सर्वर पे जो बहुत ज़्यादा जो है वो बर्डन बनेगा, हमारा सर्वर बहुत ज़्यादा जो है वो उसको लोड बर्दाश्त करना पड़ेगा, और क्वाइट पॉसिबल के हमारा जो
सर्वर है वो क्रैश भी कर जाए, सर्वर में जो है वो प्रॉब्लम हो जाए, हमारा नेटवर्क जो है वो स्लो हो जाए, क्योंकि एक ही टाइम में जब इतने क्लाइंट जो है वो सर्वर को एक्सेस करेंगे और उस पर जो है वो डाटा, उससे डाटा उठाएंगे भी और वहाँ पे डाटा रखेंगे भी, तो काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी, नेटवर्क जो है वो हमारा स्लो होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने दो सर्वर जो है वो तैयार किए, ठीक है, एक को मेन सर्वर बनाया और एक जो है वो हमारा बैकअप सर्वर होगा। उन दोनों के जो नेटवर्क होंगे उन दोनों को जो है वो हमें नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट कर देंगे। उससे क्या क्या होगा कि आधी ट्रैफिक जो है वो हमारी एक सर्वर से आएगी और आधी ट्रैफिक जो है वो हमारी दूसरे सर्वर पे जाएगी। हमारे जितने भी क्लाइंट होंगे, जितना भी जो है वो हमारे क्लाइंट ने डाटा लेना होगा, जो रखना होगा, वो अब हमारा एक की बजाय दो सर्वर पे शिफ्ट हो जाएगा। एक की बजाय अब जो है वो दो सर्वर जो है वो हमें क्लाइंट को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, हमें एक तो रिटेंडेंसी मिलेगी, दूसरा जो है वो हमारे सर्वर पे लोड भी कम पड़ेगा। तो ये हमारे जो मेन सर्वर है उस पर जो है ये एक आई वेब सर्वर भी इंस्टॉल हो गया। इसको ख़त्म करते हैं और चेक कर लेते हैं कि दूसरे सर्वर पे भी हो गया। हाँ जी, ये दूसरे सर्वर पर भी इंस्टॉल हो चुका हुआ है। इसको जो है वो ख़त्म करते हैं यहाँ पे। चले, ये देखें, ये साइड पे आ गया है, ये इसकी जो है वो सर्विसेज इंस्टॉल हो चुकी है। अच्छा, ये जो अब हमारा मेन सर्वर है, यहाँ पे जो है वो हम पहले ही अपने क्लाइंट मशीन के साथ कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं कि ये दोनों जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं। हम CMD ओपन करेंगे, CMD के थ्रू जो है वो पिंग लगा के देखेंगे अपने सर्वर के साथ जो है वो हमारा दूसरा जो सर्वर है उसका जो IP जैसा वो है 200, तो पिंग का जवाब हमें आ रहा है, ठीक है, कनेक्टिविटी हो रही है। इसी तरह हम दूसरे सर्वर पे आएंगे और यहाँ से जो है चेक करते हैं यहाँ पे क्या स्टेटस आ रहा है। पिंग करेंगे 192.168.1.100 अपने मेन सर्वर को, तो यहाँ से भी हमें पिंग का जवाब आ रहा है। तो चलें, ठीक है, अब हम यहाँ पे टूल्स में जाएंगे और नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर जो को जो है वो ओपन करेंगे। तो ये देखेंगे, ये नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का जो है वो डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे जो है वो हम न्यू क्लस्टर जो है वो बनाएंगे। ठीक, यहाँ से हमने ओपन किया, ये हमारे पास नेटवर्क लोड बैलेंसिंग आ रहा है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू क्लस्टर बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखना है कनेक्ट टू वन होस्ट डेट इज़ वन पार्ट ऑफ क्लस्टर एंड सेलेक्ट द क्लस्टर इंटरफेस। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हम अपने सर्वर जो है वो हमारा उसका IP एड्रेस लिखेंगे। हमारे सर्वर का IP एड्रेस 1.100 है, यहाँ पे हमने कनेक्ट पे किया और ये देखेंगे नीचे जो है वो हमारा इथरनेट, उसने ये हमारा नेटवर्क का IP एड्रेस और ये हमारे नेटवर्क का इथरनेट उसने उठा लिया और यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये डेडिकेटेड IP एड्रेस, ठीक है, 100 रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे जो है वो हम एक नया IP जो है वो IPv4 क्लस्टर IP जो है वो ऐड करेंगे। मैं क्लस्टर IP जो है लिख देता हूँ 192.168.1.50 जो है वो लिख देते हैं, ठीक है, ये मैंने जो है 50 यहाँ पे लिख दिया, ओके करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये क्लस्टर IP कॉन्फ़िगरेशन जो है वो IP जो मैंने दे दिया वो दे दिया 50। अच्छा, ये क्लस्टर IP और 50, ये कौन सा IP ये दिया मैंने, ये वो IP है जो हम ना तो अपने मेन सर्वर का IP एड्रेस यूज़ करेंगे और ना ही हम अपने दूसरे सर्वर का IP एड्रेस यूज़ करेंगे। जैसा कि हमारे जो मेन सर्वर है उसका IP एड्रेस 100 है और जो हमारा दूसरा सर्वर है उसका IP एड्रेस 200 है, लेकिन हम दोनों में से कोई भी IP यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे 50। हम 50 जो है वो दोनों नेटवर्क को कंबाइन करके हमने एक जो है वो IP एड्रेस जनरेट किया, उसका जो है वो हमने IP रखा है 50। हम 50 को जो है वो यूज़ करेंगे और 50 जो है वो हमारी ट्रैफिक है जो है वो दोनों नेटवर्क पे 100 वाले पे और 200 वाले पे दोनों पे जो है वो बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 50 रखा है, ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। ये जो है अभी कॉन्फ़िगर हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा अभी, ठीक है, ठीक है, ये बता रहा है कि ये जो है वो नेटवर्क ईथरनेट ये जो उसने उठाया है ये सर्वर 01 का उसने उठाया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है वो ये देखें उसने पिक उठा लिया है, यहाँ पे वो बता रहा है कि ये मेरे पास सर्वर 01 है जिसका उसने नेटवर्क कार्ड लिया है, ठीक है, स्टेटस उसका इनेबल आ रहा है, ठीक है, और ये प्रोटोकॉल बोथ है जो है वो यूज़ करेगा, ये सारी जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे ऐड होस्ट टू क्लस्टर,
ऐड होस्ट टू क्लस्टर का मतलब कि हम एक और एड नेटवर्क कार जो है वो इसमें ऐड करना चाहेंगे। अगर हम डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज चेक करना चाहें तो क्लस्टर प्रॉपर्टीज ये बता रहा है कि जो हमारा क्लस्टर आईपी एड्रेस है वो जो है वो 50 है। जो क्लस्टर मीन्स कि जो हमने दोनों को कंबाइन करके बनाया, ये क्लस्टर की प्रॉपर्टीज। ये यहाँ पे हम चेंज भी करना चाहें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सबनेट आ रहा है, ये इसका इंटरनेट नेम अगर हम रखना चाहें, ठीक है। ये यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ये सबके लिए जो है वो हम यूज़ करें। इसके बाद पोर्ट अगर हम कोई स्पेसिफिक करना चाहें कि ये वाली पोर्ट इस्तेमाल करें, लेकिन अभी जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल जो है वो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग जो है वो कन्फिगर कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है हमने एक दूसरा जो है वो नेटवर्क कार्ड भी ऐड करना है, ताकि अगर हमारा एक नेटवर्क कार्ड नहीं चल रहा या हमारा एक सर्वर मिस है तो दूसरा जो है वो उसको हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड होस्ट टू क्लस्टर, हमने एक नया होस्ट ऐड करना है। यहाँ पे जो है वो हम अपने दूसरा सर्वर जो है वो हमारा 192.168.1.200 वाला, यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे। तो ये दूसरे वाला सर्वर ये देखें, ये भी उसने ले लिया, ये हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस उसने ले लिया। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। अब ये अब देखिए, आपने देखा नोट किया होगा कि अब जब हमने दूसरा जो है वो सर्वर ऐड किया, तब जो है वो उसने हमसे नहीं पूछा कि आपने क्लस्टर आईपी कौन सा रखना है, क्योंकि क्लस्टर आईपी हमने पहले डिफाइन कर दिया है कि हमने ये वाला क्लस्टर जो है वो रखना है। इसलिए जब हम दूसरा ऐड किया तो उसने जो है वो हमसे क्लस्टर आईपी नहीं पूछा। अब ये देखें, ऊपर बता रहा है कि हमारा ये क्लस्टर आईपी है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हमने दो जो है वो सर्वर ऐड किए हैं, सर्वर 01 और सर्वर 02, और दोनों को ये बता रहे हैं होस्ट प्रायोरिटी 1, यानी कि पहले जो है वो 100 वाला और 200 वाला दोनों जो है वो उसने अपने अंदर जो है वो ऐड कर लिए हुए हैं। अच्छा, अब इसको जो है वो अगर हमने चेक करना हो कि तो हम यहाँ पे एक क्लाइंट मशीन जो है वो ओपन कर लेते हैं अपनी। मैंने ये एक विंडो 7 जो है वो एक बनाई हुई है यहाँ पे, इसको भी ये जो है वो हम ऑन कर लेते हैं, जहाँ से हम चेक कर सकेंगे कि ये जो है वो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग जो हमने कॉन्फ़िगर किया है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, अभी जो है जब तक ये विंडो इंस्टॉल होती है तब तक जो है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है वो हमारा बन गया हुआ, अब हम यहाँ से चेक करते हैं दोनों जो है वो कन्वर्ज आ रहे हैं। इसका मतलब स्टेटस जो है कन्वर्ज बता रहे हैं कि मींस दोनों जो है वो प्रॉपरली जो है वो वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हम टूल्स में जाके IAES को ओपन करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या स्टेटस आ रहा है हमारे NLB का। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं ये अभी जो है वो क्लाइंट मशीन हमारी इंस्टॉल ओपन हो रही है अभी अभी। ये जो है यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा NLB है, इसको जो है हम यहीं पे रहने देते हैं। हमारा IAES ओपन नहीं हुआ अभी, अभी ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हमने NLB भी कॉन्फ़िगर किया और तीनों तीन जो है वो हमने क्लाइंट मशीन्स ओपन की हुई, इस वजह से सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्लो हुआ है। अच्छा, ये अभी हमारी जो है वो क्लाइंट मशीन इंस्टॉल ओपन हो रही है। जैसे ये विंडो हमारी चलती है तो फिर यहाँ पे जो है वो हम NLB चेक करेंगे कि वो जो हमने कॉन्फ़िगर किया है NLB वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। अभी ये थोड़ा सा जो है वो टाइम ले रहा है। यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे ही चले जाते हैं वापस, यहाँ पे टूल्स में जाके हम IAES को जो है वो ओपन करते हैं। अगर यहाँ से ओपन हो जाए तो फिर अभी ये विंडो 7 जो है वो भी ओपन नहीं हुई। ये जो है वो हमारा दूसरा सर्वर है जिसपे जो है वो NLB हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा पहला सर्वर है। अभी जो है NLB कॉन्फ़िगर है यहाँ पे आ रहा, ठीक है, ये दोनों जो है वो स्टेटस एक्टिव बता रहे हैं। अगर हम जो है इसमें एक तीसरा सर्वर भी ऐड करना चाहें तो हम तीसरा भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी जो है वो हम यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, और वो भी जो है वो हमारे इसी क्लस्टर में जो है वो ऐड हो जाएगा। मीन्स के फिर हम क्या कर अगर हम तीन करते हैं तो उससे उसका ये मतलब हो जाएगा कि हमने तीन सर्वर का जो है वो बैकअप तैयार किया हुआ है, कि अगर हमारा एक सर्वर ख़राब हो जाए तो दूसरा वर्क करे, दूसरा ख़राब हो जाए तो तीसरा वर्क करें। तो इससे जो है वो हमें रिटेंडेंसी जो है वो ज़्यादा मिल जाएगी।
चले तो ये जो है वो हमारे पास क्लाइंट मशीन जो है वो ओपन हो गई हुई है। विंडोज 7 जो हमने बनाई थी, तो पहले जो है वो हम यहाँ से इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं कि आया इसका जो है वो आईपी एड्रेस क्या है, क्या ये हमारे सर्वर के साथ जो है वो कनेक्ट है भी या नहीं। तो यहाँ से लोकल एरिया कनेक्शन पे रहेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे और यहाँ पे आईपी वर्जन 4 की सेटिंग देखेंगे, और यहाँ पे इसका आईपी जो है वो 10 आ रहा है, ठीक है। गेटवे इसका 100 आ रहा है और एक डीएनएस उसका 100 आ रहा है, और एक डीएनएस जो है हम उसका 200 लिख देते हैं। चले अब हम जो है वो इसकी पिंग भी देख लेते हैं कि ये आपस में कनेक्टिविटी इनकी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। हम यहाँ पे जाते हैं, सीएमटी ओपन कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे हम लिखेंगे सीएमडी, ओपन करेंगे यहाँ पे 192.168.1.100 करेंगे तो कम्युनिकेशन हो रही है, रिप्लाई आ रहा है हमें। इसी तरह जो है हम अब हम जो है दूसरा सर्वर जो है वो हमारा उसकी भी चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास 200 की कम्युनिकेशन का जवाब जो है वो नहीं आ रहा। लेकिन 200 जो है वो कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहा इसके साथ, ये हम चेक कर लेते हैं। इसी पे आएंगे और इससे चेक कर लेते हैं कि ये टू आपस में कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर रहा है। हंड्रेड का जवाब तो है इसको आ रहा है, लेकिन 10 का जो है वो रिप्लाई नहीं दे रहा है, ये 10 के साथ जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। तो अभी जो है वो चेक कर लेते हैं कि ये 10 के साथ कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहा। इसकी आईपी जो है वो प्रॉपर्टी चेक करेंगे, इंटरनेट देखेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या कह रही है हमें। आईपी वर्जन 4 की जो है वो प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। अच्छा यहाँ पे जो है वो हम ये सारा जो है वो ख़त्म कर देते हैं इसका, और इसका जो है वो हम गेटवे भी ख़त्म कर देते हैं सारा। ठीक है, इसी तरह हम विंडोज 7 पे जाएंगे और इसका भी जो है वो ख़त्म कर देते हैं सारा कुछ, सिर्फ एक आईपी एड्रेस जो है वो रहने देंगे और बाकी सारा कुछ जो है वो हम इसका ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो है वो हमने इसका सारा ख़त्म कर दिया। अब जो है हम इसकी नेटवर्क की सेटिंग भी हमें एक बार चेक करनी पड़ेगी कि क्या ये तीनों सर्वर जो हैं वो एक ही नेटवर्क कार्ड के साथ कनेक्टेड हैं। सेटिंग में जाएंगे इसकी और पहले हम अपने सर्वर 01 को चेक कर लेते हैं कि ये किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया हुआ है हमने। अच्छा इसकी जो है वो नेटवर्क अडाप्टर में आएंगे और कस्टम स्पेसिफिक फंक्शन VM2 के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इसी तरह हम इसको चेक कर लेते हैं ये किसके साथ जो है वो कनेक्ट है। इसके नेटवर्क अडाप्टर में आएंगे, ये भी कस्टम VM नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और इसको चेक कर लेते हैं कि ये किसके साथ कनेक्ट है, हमारा सर्वर 02 नेटवर्क अडाप्टर में आएंगे और कस्टम VM नेटवर्क। ओके तो हम अपनी विंडो क्लाइंट पे जाएंगे, यहाँ पे जो है वो अब हम अपना VM जो हमने NLB कॉन्फ़िगर किया है वो जो है वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब मैंने जो है वो इंटरनेट IIS ओपन कर लिया है, ठीक है। नोटर करते हैं, यहाँ पे जो है वो हम ओपन करते हैं 192.168.1.50। 50 जो है वो हमने क्लस्टर IP दिया था, जो कि हमने बताया था आपको मैंने कि ना तो हम सर्वर 01 का IP यूज़ करेंगे और ना ही हम सर्वर 02 का IP यूज़ करेंगे। हमने अगर अपने सर्वर को सेस करना है तो हमने क्लस्टर IP जो डिफाइन किया था हम जो है वो उसको करेंगे। यहाँ पे जो है वो मैंने IP का लिख कर ओपन ओके किया है,
तो अभी जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास असेस होता है कि नहीं होता। इसी तरह हम अगर यहाँ पे अपने सर्वर 02 पे इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, और इसी तरह हम जो है अपने सर्वर 01 से भी जो है वो ओपन करेंगे। पहले तो हम अच्छा यहाँ पे जो है ठीक है उसने जवाब नहीं दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं हम इसको लिखते हैं 100। जब 100 लिख के मैंने किया है तो ये देखें 100 से जो है वो उसने जवाब दे दिया। हमारा जो है वो इस मीन के हमारा NLP जो है वो वर्क कर रहा है। इसी तरह अब हम 100 की बजाय इसको जो है वो 200 से असेस करके देखते हैं तो ये 200 से असेस होता है कि नहीं। 200 से भी ये कम्युनिकेशन कर रहा अभी। हम अच्छा चलें का भी जो है वो हम ज़रा नेटवर्क अडाप्टर की सेटिंग जो है वो ज़रा चेंज करते हैं। नेटवर्क में आएंगे नेटवर्क अडाप्टर और इसको करेंगे होस्ट ओनली टू आ प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है इसको कनेक्ट कर लिया सर्वर 01 को होस्ट ओनली के साथ। इसी तरह हम बाकी जो भी है वो भी अच्छा ये अभी विंडोज 7 का किया है। विंडोज सर्वर को भी चेक कर लेते हैं। इसको भी जो है वो हम होस्ट ओनली के साथ कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क अडाप्टर में आएंगे और होस्ट ओनली करेंगे इसको। अभी हमने सर्वर 01 को भी कर लिया, क्लाइंट मशीन को भी कर लिया, और यहाँ पे हम सर्वर 02 को भी जो है वो सेम नेटवर्क के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क अडाप्टर भी आएंगे और होस्ट ओनली करेंगे। तो ये तीनों जो है वो अब मैंने सेम मशीन के साथ जो है वो कनेक्ट किए हैं। अब जो है वो हम इनकी अब ये कनेक्ट होना तो चाहिए। अगर 192.168 और 1.100 तो 100 से जवाब आ रहा है इसका। अब हम देख लेते हैं 200 तो 200 से इसका जवाब जो है वो नहीं आ रहा। 200 जो है वो इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। कम्युनिकेशन तो 200 को भी करनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे अच्छा है वो IP डेस्क की सेटिंग चेंज करते हैं। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज और यहाँ पे इसको गेटवे देते हैं 192.168.1.100 का 200 ही दे लेते हैं इसको। यहाँ पे हम इसको देते हैं 200 और 192.168.1.200 और 192.168.1.100। अच्छा ये जो है वो हमने दे दिया इसको जो है हम ओके करते हैं। ठीक है ओके किया और विंडो क्लाइंट पे आते हैं। यहाँ पे भी जो है वो हम इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करते हैं। अच्छा इसका IP है यहाँ पे हम देंगे 192.168.1.100 दे लेते हैं। 192.168.1.100 और यहाँ पे 192.168.1.200 जो है वो हमने इसको दे दिया। ठीक है और ठीक है यहाँ से जो है हम इसको बंद करते हैं। अब जो है हम कनेक्ट करते हैं इसको हमारे वेटिंग फॉर अभी जो है वो रिप्लाई ले रहा है उसके साथ। अभी ये देखें NLB में जो है हमने दो सर्वर 01 और सर्वर 02 जो है वो कनेक्ट किए हैं और सेशन स्टार्ट ये देखें नीचे आ गया है क्योंकि हमने इनको जो है डिफरेंट नेटवर्क कार्ड के साथ कनेक्ट किया था तो वो यहाँ पे एरर दे रहा था। लेकिन अब हमने जब भी जब इनको एक सेम नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया तो वहाँ से जो है वो NLB स्टार्टेड सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है यहाँ पे दो नेटवर्क कार्ड जो है वो हमने कनेक्ट किए हैं। सर एक जो है वो उनको क्लस्टर IP दिया है। ठीक है ठीक है ये सर्वर 01 इसके साथ जो है वो हमने कनेक्ट किया और ये जो है वो हमारा सर्वर 02
हमने दो नेटवर्क कार्ड दोनों जो है वो डेडिकेटेड आई पी एड्रेस 100 है इसका और इसका 200 है। होस्ट प्रायोरिटी ये 1 दे रहा है और ये 2 दे रहा है, इस मीन पहले जो रिप्लाई आ रहा है वो हमें 100 से आ रहा है। अगर बिलफर्ज हमारे 100 में कोई इशू आता है, 100 हमारा जो है वो डिसेबल हो जाता है या उसमें जो हमारा सर्वर जो है वो क्रैश कर जाता है, फिर जो है वो होस्ट प्रायोरिटी जिसकी 2 है ये अप हो जाएगा ऑटोमेटिक और हमें जो है वो सर्वर 200 वाले सर्वर से जो है वो रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था NLB। NLB के थ्रू हमने देखा कि कैसे जो है वो हम अपना नेटवर्क का लोड बैलेंस जो है वो सेस कर सकते हैं। अब जो है वो हमने अगर सर्वर को सेस करना है, चाहे हमने सर्वर 100 को करना है या 200 को करना है, तो हम ये वाला IP डैश जो है वो यूज़ करेंगे जो कि हमने क्लस्टर्ड IP के तौर पे यूज़ किया है। जवाब नहीं दे रहा है तो अभी हमने यूज़ करना है यहाँ पे 100 करेंगे। तो ये देखिए IAS जो है वो ओपन हो रहा है, इट्स मीन के हमारा जो है वो NLP जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो नेटवर्क NLP जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया हमने, उसको वर्क भी कर लिया देख लिया। अच्छा, अब हम अगर जो है वो हमने सर्वर के साथ कनेक्ट होना है तो हमने जो क्लस्टर्ड IP यूज़ किया है वही हम यूज़ करेंगे, उसी के थ्रू जो है वो हमें रिप्लाई आएगा। अभी हम यहाँ पे अगर क्लस्टर्ड IP लिखेंगे तो ये देखें हमने क्लस्टर्ड IP लिखा तो हमें जो है वो सर्वर पे लेके जा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 200 लिखते हैं तब भी जो है वो हमें रिप्लाई आ रहा है, अगर हम यहाँ पे 100 लिखते हैं तब भी जो है वो हमें 100 तब भी जो है वो हमें रिप्लाई आ रहा है। इट्स मीन कि हम तीनों में से कोई भी IP यूज़ करते हैं तो वो हमें वेब सर्वर पर लेके जाता है। तो इट्स मीन कि NLP जो है वो हमारा बिल्कुल सही से कन्फिगर हुआ है, हम तीनों में से कोई भी IP लिखें हमें सर्वर से जो है वो रिप्लाई आ रहा है, लेकिन हम जो है वो अपने क्लाइंट को जो बताएंगे वो हम क्लस्टर IP ही बताएंगे, ताकि अगर वो इसलिए होगा कि हमारे क्लाइंट जो है वो क्लस्टर IP के थ्रू आए। इट्स मीन के हमारे क्लाइंट्स को नहीं पता होना चाहिए कि हमने क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये कितने नेटवर्क हैं, कितने सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। क्लाइंट्स का जो है वो इस काम से कुछ भी लेना देना जो है वो नहीं होगा, उनको सिर्फ एक हम IP देंगे क्लस्टर IP, वो सिर्फ उस IP को यूज़ करेंगे और अगर एक सर्वर डाउन भी हो तो क्लाइंट को जो है वो हमें परेशानी जो है वो नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखें हमने क्लस्टर IP के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं इसको और हमें जो है वो सर्वर से जवाब जो है वो आ रहा है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि NLP जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और NLP के थ्रू जो है वो हम कैसे जो है वो अपना IP नेटवर्क जो का जो है वो लोड है वो कैसे जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।